हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं रेफाडोल एसपी टैबलेट के बारे में। इसका कैसे यूज किया जाता है, कब इसे यूज किया जाता है, किस बीमारी में इसे दे सकते हैं, इसका MRP कितना है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट कब का है, एक्सपायरी डेट कब का है, यह किस कंपनी का यह बनाया गया है, इसका डोज कितना दे, इसका साइड इफेक्ट क्या है, पूरी डिटेल से हम जानेंगे इस नए वीडियो में। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई नई वीडियो दवाइयों की जानकारी के बारे में आप तक पहुंचते रहे। सबसे पहले हम इसका ब्रांड नेम की बात करें तो इसका ब्रांड नेम यानी मार्केट में प्रचलित नाम रेफाडोल एसपी है। यह रेफाडोल एसपी नाम से सभी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। यह मार्केट में मिलने वाले रेफाडोल एसपी के नाम टैबलेट के नाम से सभी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। इसका कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसका कॉम्बिनेशन में है साइक्लोफेनेस, पारासीटामोल, सेराट्रोपिडिटेज टैबलेट है। यह तीन तरह का कॉम्पोजिशन नेम इसमें मिला हुआ है। अब हमें इसका कंटेंट की बात करें तो इस टैबलेट में कितना कितना कंटेंट मिलाकर यह बनाया गया है। इच फिल्म में कोटेड टेबलेट कंटेंट साइक्लोफेनेस IP 100 mg 100 mg साइक्लोफेनेस मिलाया गया है। पारासीटामोल 325 mg, सेराट्रोपिडिटेज 15 mg। इतना इतना कंटेंट एक टैबलेट में इस मिलाकर यह बनाया गया है। यह रेफाडेक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा यह बनाया गया है। एड्रेस की बात करें तो D215 नोएडा, सेक्टर 62, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश में इसका है। हेड ऑफिस उत्तर प्रदेश में, इंडिया 201301 है। यहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया है। सबसे पहले इस बैच नंबर की बात करें तो इसका बैच नंबर 13RB01 है। मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करें तो इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट नवंबर 2023 है और इसका एक्सपायरी डेट की बात करें तो अक्टूबर 2025 में इस टैबलेट का एक्सपायर हो जाएगा। इसका MRP की बात करें तो इसका MRP 108.65 है। 10 टैबलेट का 108.65 है। यह सभी मेडिकल स्टोर में कुछ डिस्काउंट करके मिल जाएगा। अब हम इसका यूज की बात करें तो इसका किस कब दिया जाता है, किस बीमारी में इसे दे सकते हैं। ये रेफाडोल एसपी टैबलेट को अगर किसी का दर्द हो, किसी प्रकार का दर्द हो, तो उसे ठीक करने में यह टैबलेट बहुत काम करता है। सिर दर्द माथा दर्द, कमर दर्द, हाथ पैर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, उसे ठीक करने में यह टैबलेट बहुत काम करता है। अगर किसी का जख्म का छट गया है तो दर्द कर रहा है तो उसे ठीक करने में यह टैबलेट बहुत काम करता है। यह एक पेन किलर टैबलेट है।
किसी प्रकार का दर्द उसे ठीक करने में यह बहुत काम करता है। अब हम इसका डोज की बात करें तो यह टैबलेट एडल्ट व्यक्तियों में सुबह शाम दे सकते हैं, अधिक से अधिक 3 बार, सुबह 2 बार, शाम 3 बार करके इस टैबलेट को दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार दे सकते हैं। अगर 10 साल से कम हो, 10 से 5 साल के बीच में कोई हो, तो उसे आधा टैबलेट सुबह शाम दे सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो इस टैबलेट को लेने से व्यक्ति को उल्टी हो जाता है, नौजिया वोमिटिंग हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, चक्कर भी आ सकता है इस टैबलेट को लेने से। ये सब इस टैबलेट का साइड इफेक्ट है।